हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं 2.4 क्वेश्चन नंबर। हम लोग इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 2.3 क्वेश्चन नंबर। ये गेट का क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो हम लोग 2.4 देखते हैं। फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस द वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास इज, ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है, फ्लो प्रोसेस दैट मीन्स ओपन सिस्टम। फ्लो प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं? ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के लिए वर्क क्या होता है? बी डेल पी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डेल पी माइनस ऑफ बी डी पी। तो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा रिच। तो यहाँ पे आपका कंप्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का कंप्रेशन है, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए। तो हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डेल पी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ठीक है। तो ये आपको, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, ठीक है। तो जो आप पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, जो कोई भी और इसको डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आप उससे पहले आपको 3-4 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, तो उसको आप देख लीजिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट गेट का जो एस्पिरेंट्स हैं उसको हेल्पफुल होगा इस वीडियो से, ठीक है। ये आपका 2.5 है। ये आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का है, ठीक है। तो जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, देख लीजिए, सो दैट आपको ये न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी है, फॉर्मूला पुटिंग है। हम लोग देखते हैं स्टीम टर्बाइन रिसीव्स स्टीम स्टेडली एट 10 bar, ठीक है, प्रेशर कितना दिया हुआ है? 10 bar, ठीक है, स्टीम टर्बाइन विथ एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी कितना दिया हुआ है? 3000 किलो जूल पर केजी एंड डिस्चार्ज एट, डिस्चार्ज कितना कर रहा है? P2 आपका है 1 bar विथ एन एंथैल्पी ऑफ, H2 कितना दिया हुआ है? 2700 किलो जूल पर केजी। द वर्क आउटपुट इज, वर्क आउटपुट कितना दिया हुआ है आपका? 250 किलो जूल पर केजी, ठीक है। द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आज आर नेग्लिजेबल। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए टर्बाइन केसिंग टू द सराउंडिंग इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजेबल, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टर्बाइन केसिंग। ये आपको क्या बताना है? हीट ट्रांसफर, है ना, दैट इज क्यू, ठीक है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग देखते हैं क्या था। H1 प्लस C1 स्क्वायर अपन 2 प्लस Z1G प्लस हीट इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपन 2 प्लस Z2G प्लस वर्क, ठीक है। तो ये आपका टर्बाइन है। तो टर्बाइन के केस में आपका जो वेलोसिटी है आपका नेग्लिजेबल हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ये आपका डेटम हेड क्या हो जाएगा? Z1 इजकल टू Z2, ठीक है, Z1 इजकल टू Z2। और क्या होगा? यहाँ से इक्वेशन आया H1 प्लस हीट इज इक्वल टू H2 प्लस वर्क, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H आपका गिवन है, H1 आपका कितना गिवन है? 3000 प्लस हीट इज इक्वल टू H2 कितना गिवन है जी? 2700। ये आपको वर्क जो है कि आपका
कितना दे रहा है वर्क आउटपुट, 250 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, हीट कितना हो जाएगा, ये आपका इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, ये आपका हो जाएगा 2950। ठीक है, तो अगर हम लोग हीट निकालेंगे तो ये आपको 2950 में से हम लोग माइनस करेंगे 3000, तो इसका आंसर जो आएगा आपका -5 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये हीट कितना आएगा, तो आपका जो है कि हीट कितना आएगा 50। ठीक है, ये आपको सराउंडिंग को दे रहा है, दैट मीन्स हीट क्या रहा है, सिस्टम से बाहर आ रहा है, लूज कर रहा है, दैट मीन्स हीट का कन्वेक्शन क्या होगा, माइनस। ठीक है, हीट सप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये आपको सराउंडिंग को रिलीज कर रहा है, तो कितना कर रहा है, -50। ठीक है, इस तरह से आपको जो है कि केयरफुली जो है कि आपको सॉल्व करना है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ये इक्वेशन जो है कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ओपन फ्लो सिस्टम में। ओपन फ्लो सिस्टम जितना भी है, टर्बाइन, कंप्रेसर, ठीक है, नोजल, जितना भी आपको जो है कि क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बनेगा, सारा इसी इक्वेशन से बनेगा। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं सेकंड, सेकंड हम लोग देखते हैं 2.6। ठीक है, 2.6 क्या कर रहा है, व्हेन एन आइडियल गैस विथ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट इज थ्रॉटल एडियाबेटिकली, ठीक है, विथ नेग्लेजेबल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, आइडियल गैस में आपको जो है कि बताना है, तो थ्रॉटलिंग के केस में क्या होता है, ये आपको थ्रॉटलिंग है। ठीक है, थ्रॉटलिंग के केस में आपको हमको पता, ठीक है, थ्रॉटलिंग के केस में क्या होता है, एच कांस्टेंट, ठीक है, H1 = H2, जिसको हम लोग बोलते हैं इनथैल्पी कांस्टेंट, है ना, चेंज इन इनथैल्पी = 0। ठीक है, और तो ये इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ∆H। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम बताए हुए हैं, थ्रॉटलिंग क्या है, ये फुल्ली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क ट्रांसफर 0 होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क ट्रांसफर 0 है, और क्या होता है, एच कांस्टेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है, एडियाबेटिक होता है, हीट भी ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 0 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्रॉटलिंग का पॉइंट। ठीक है, हम वीडियो में भी बताए हुए हैं, जो वीडियो आप नहीं देखे हैं, ये थ्रॉटलिंग शायद मेरे ख्याल से 5 और 6 जो है कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का है, थर्मोडाइनमिक्स का, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पे टर्बाइन, नोजल, कंप्रेसर, बॉयलर सारा हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, 1 बाय 1 सारा का हम लोग वर्क फाइंड किए हैं, हीट फाइंड किए हैं। ठीक है, और थ्रॉटलिंग के केस में हम लोग बताए हैं, एक्सपेंशन वाल्व के बारे में बताए हैं, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब एच कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, एच कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब एच कांस्टेंट है तो ∆H = 0, तो ये इनथैल्पी है, हम लोग जानते हैं U+PV, है ना, इनथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और ये जो PV है, ये भी क्या है, PV = MRT, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो H है, इनथैल्पी, वो क्या है, समेशन ऑफ दिस, दैट मीन्स ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो ये H भी क्या हो गया, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट पे ये भी होगा, है ना, दैट मीन्स यहाँ पे ∆T कांस्टेंट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2.7 देखते हैं। ए स्मॉल स्टीम विस्टल परफेक्टली इंसुलेटेड एंड डूइंग नो सॉफ्ट वर्क, ठीक है, काउज ए ड्रॉप ऑफ 0.8 किलो जूल पर केजी इन इंथैल्पी ऑफ स्टीम फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। ये क्या दिया हुआ है, इतना आपका जो है कि इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, डेल एच कितना दिया हुआ है 0.8, एंट्री और एग्जिट में जो है कि आपका इतना लॉस हो रहा है, ठीक है, इंथैल्पी। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम एट एंट्री इज नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी दैट मींस वेलोसिटी जो है कि आपका नेगलेक्ट किया हुआ है एंट्री का, द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट, सी टू का आपको वेलोसिटी बताना है। सी क्या है मेरा, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, तो ये क्या है स्मॉल स्टीम, तो ये आपका जो है कि बताना है कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो ये जब स्टीम इंटर कर रहा है यहाँ सी वन से, तो इसको क्या करना है नेगलेक्ट करना है, और ये आपको सी टू को जो है कि आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो स्टडी एनर्जी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं फॉर नोजल के लिए, तो ये आपका क्या है एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जेड वन जी प्लस हीट इजकल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर अपॉन टू प्लस जेड टू जी प्लस वर्क, ठीक है। तो नोजल का क्या काम है आपका, ये आपका एडियाबेटिक पहले ही यहाँ बोल दिया परफेक्टली इंसुलेटेड, ठीक है, नोजल का ये वर्क का आउटपुट काम नहीं है, ये आपको क्या फाइंड करना है वेलोसिटी, ठीक है, ये आपको जो है कि ये जेड वन जेड टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डेटम क्या होगा रिफरेंस लाइन दोनों ही सेम होगा जेड वन इजकल टू जेड टू, ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये टर्म यहाँ से क्या बचा एच वन प्लस, ये देखिए इनिशियल जो है कि वेलोसिटी क्या बताया है नेग्लिजिबल, ठीक है, तो ये क्या बचा एच टू प्लस सी टू स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपको यूनिट हम जब वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे तो हम लोग बताए थे कि यहाँ पे ये टू को हम लोग यहाँ पे थाउजेंड से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो एच है आपका जो है कि यूनिट आपका क्या दिया हुआ है एच किलो जूल पर केजी केल्विन है ना, पर केजी, तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट किए हैं, और यहाँ से हम लोग एच क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू सी टू स्क्वायर अपॉन 200, और यहाँ से हम लोग सी टू स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2100 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच टू का रूट ओवर, ठीक है, ये सी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सी टू फाइंड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2000, और ये आपका देखिए चेंज इन एंथैल्पी दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ जी डेल एच आपका जो गिवन है 0.8, ठीक है, डेल ये दिया हुआ है आपका 0.8, ठीक है, कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट कर दिए, चलो ये आएगा आपका सी टू इजकल टू दिस रूट, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका सी टू आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ में आ गया, सी टू जो है कि आपका कहाँ गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसको इरेज कर लें, क्वेश्चन नंबर 28 इसको पढ़िए ध्यान से। ए 2 किलोवाट 40 लीटर वाटर हीटर हीटेड, ये आपका पावर गिवन है आपका 2 किलोवाट, ठीक है,
और ये आपका लीटर कितना दिया हुआ है, वाटर वॉल्यूम दिया हुआ आपका 40 लीटर, ठीक है। वाटर हीटर इज स्विच्ड ऑन फॉर 20 मिनट, ये आपका टी कितना दिया हुआ है जी, 20 मिनट। तो हम यहाँ पे हीट जब हम लोग पहले क्वेश्चन में हम लोग जब फाइंड किए थे, हीट जब हम लोग फाइंड किए थे, दैट इज पावर जितना होगा पी इज इक्वल टू वी आई इंटू टाइम, है ना, कितने टाइम इंटरवल के लिए ये पावर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे पावर देखिए आपका जो है कि ऑलरेडी गिवेन है, ठीक है। पावर कितना है जी, 2 किलोवाट, दैट इज 2 × 10³। और ये आपका टाइम गिवेन है 20 मिनट, 20 मिनट को हम लोग सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इतना हीट, ठीक है ठीक है। तो ये हीट आ गया जूल में। देन हम लोग क्या करेंगे, द हीट कैपेसिटी सीपी फॉर वाटर इज इतना, ये आपको याद रखना है, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं गिवेन होता है, तो यह आपको वाटर के लिए आपको सीपी याद रखना है। एज्यूम ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गॉन इनटू हीटिंग द वाटर, इंक्रीजेज ऑफ वाटर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कि फाइंड करना है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना। तो ये तो हम लोग हीट निकाल लिए, ठीक है। एज्यूम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गॉन टू हीट द वाटर, इंक्रीज ऑफ वाटर टेम्परेचर इन डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, बताइए। तो ये तो हीट निकाल लिए हम लोग, तो हम लोग जानते हैं डेल क्यू इक्वल टू एम सी पी डेल टी, है ना। तो ये हीट यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं। मास आपका, मास ऑफ वाटर नहीं गिवेन है, तो हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकालना होगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है जी 40 लीटर। ये 40 लीटर को आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए, ये 40 लीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, ये मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। और इसको जो है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 ही रह जाएगा, ठीक है। जो मास जो आएगा मेरा कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। सीपी की गिवेन है 4.2, ये डेल्टी आपको फाइंड करना है। और यहाँ से जो आपको जो है कि ये जो हीट आप हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 2 × 10³ × 20 × 60, कितना हो जाएगा, 6 × 12, ये 10⁵ × 10⁵, ठीक है। कैल्सी रखिए, कैल्सी मेरे पास है नहीं अभी। डेल्टी इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 40 × 4.2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, कैल्सी आप लोग रखिए साथ में, और इसको कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आए। और अभी तो वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा आपको, ऑनलाइन कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, ठीक है। वो आपका सिस्टम में ही कैलकुलेटर रहेगा, वहीं से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वहीं पे साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वन बाय वन हम लोग सारा थर्मोडाइनमिक्स, देन हम लोग सॉम या फिर अदर सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।